नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी मिंट पराठा, मतलब पुदीने के पराठे। तो पुदीना मैंने यहाँ लिया है, इसे साफ़ करा है, धोया है मैंने अच्छा तीन पानी से, और मैंने इसे अभी छलनी में रखा है जिससे इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं, तो हरी मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। आपको थोड़े तीखे बनाने हैं अगर, तो आप तीखा हरी मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम डालूँगी और मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी, पेस्ट बनाऊंगी इसका। ये देखिए, अभी हमने पुदीने को पीस लिया है, इसका पेस्ट तैयार किया है। इसमें हरी मिर्चियाँ भी हमने ली थी। तो यहाँ पे मैं आटा लिया है मैंने, तो आटा मैंने एक बड़ा कप लिया है आटा। तो पहले मैं इसमें, और मैं इसमें कोई मोयन वगैरह नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे हम जो पेस्ट बनाए हैं वो डालेंगे, और इसमें सौंफ पाउडर डालूँगी जो मेरा होगा 1 टीस्पून। सौंफ की वजह से एक थोड़ा सा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पे 1/4 चम्मच मेरा चिल्ली पाउडर है, और 1/4 चम्मच मेरा टर्मरिक पाउडर मैंने इसमें, ये टर्मरिक पाउडर डाला है। सॉल्ट, सॉल्ट आप दो तरह से, जैसे चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और प्लेन भी डाल सकते हैं, वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने ऑन टेस्ट डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर। तो सब मसाले इजीली घर में मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं है जिसमें मैं अलग से डाली हूँ। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके और एक अच्छा डो तो इसका तैयार करूँगी, सॉफ्ट, जैसे हमने रोटियाँ बनाते हैं उसी तरीके से। तो इसमें एक्सेस हमें जो पानी लगेगा तो मैं उसी बर्तन से डालूंगी जिसमें मैंने सॉस इसमें बनाया है, जिससे हमारा चटनी जो बची रहती है बर्तन में वो भी हमारे आटे में आ जाएगी। तो मैं इसका डो अच्छे से तैयार करूंगी। देखिए, हमारा आटा बनके तैयार है, और मैंने हल्का सा तेल लगाया इसके ऊपर में, और मैं अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। अभी 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है हमारा। तो अभी हम पराठा बनाएंगे इसका। तो पराठे के लिए हमें जैसे भी हमें मोटे पतले बनाने हैं उसी हिसाब से हम लोई बनाएंगे।
पुदीने के पराठे बनके तैयार हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और जो भी आप समझेंगे कि पुदीना तो ऐसे भी हाजमा करता है बढ़िया, तो अभी इसे ट्राई कीजिए। और जैसे भी आपको मेरे पराठे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।